सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शमला हर्बलिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर बाय शमला में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज PCOS या PCOS कुछ भी कह लें, पानी की थैलियाँ जिसे हम तिब्बी ज़ुबान में सस्काए रहम कहते हैं, यानी रहम के अंदर या रहम की जो नालियाँ होती हैं या जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर छोटी छोटी सी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जिसे सस्काए रहम तिब्बी इस्तिलाह में कहा जाता है या PCOS आम ज़ुबान में मेडिकली कहा जाता है। आज मैं उस चीज़ का ट्रीटमेंट आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। यूट्यूब पे नो डाउट आपने बहुत सारे टोटके देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिसके अंदर आप उसको इस्तेमाल करें और फटाफट से जो है वो PCOS जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं उनका सबसे पहले मैं बता दूँ कि स्टार्ट किस तरीके से होता है। हमारी जितनी भी जनरेशन है, आजकल की छोटी बच्चियाँ हों या बड़ी लेडीज़ हों, वो सबके सब चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो रीज़न इस टाइम आ रहा है वो चिकन और जो एग्स का इस्तेमाल किया जाता है बेतहाशा। पोल्ट्री फार्म की जो चिकन होती है, देसी की बात नहीं कर रही हूँ, बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पिज़्ज़ास के अंदर हो, रोस्टेड हो, किसी भी शक्ल में हो, सबसे पहले तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए ठंडक का बायस होती हैं उन चीज़ों को बंद करना पड़ता है। इनके साथ साथ स्पेशली दूध जो है वो आपको सिंपल फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। PCOS के जितनी भी पेशेंट्स हैं उनको दूध जो वाइट शेप में है वो बिल्कुल मना होता है। यूँ समझ लें कि मर्ज़ को बढ़ाने के बहुत ज़्यादा वो मामनत करता है। तो इस सूरत में सबसे पहले तो आपको चिकन और वाइट जो दूध है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, बिल्कुल ही आप उससे अवॉइड करें, उससे बिल्कुल दूर हो जाएं। दूसरा ये है कि जितनी भी आपके फास्ट फूड हैं उसको आपने छोड़ना होगा। मज़ीद इसके साथ डाइट प्लान ये है कि आमला का मुरब्बा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा कोई नुस्खा आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं आपने देखा होगा कि मैं नुस्खा वाली तबीब नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है नुस्खे शेयर करने की, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आप हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होता है। जैसे एक घरेलू औरत है वो अपने घर के कामों में, घरदारी में परफेक्ट है, हर चीज़ बनाने में, घर को देखने में। दूसरा अगर उसकी एक्स्ट्रा कोई स्किल्स हैं, डॉक्टर है, तो वो जाहिर है मेडिसन बनाना तबीबों का काम है, उसमें महारत चाहिए होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हल्की सी गड़बड़ से आपको बेतहाशा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो मैं कभी भी नुस्खा शेयर नहीं करती। हाँ, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करूँ जो कि आप मार्केट से अवेल कर सकें, उसका रिज़ल्ट भी हो, और या फिर वो चीज़ शेयर करूँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगर आप उसको उल्टा सीधा करके भी इस्तेमाल करते हैं तो कम अज़ कम उसमें ये होता है कि आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि हर चीज़ का जो भी प्रोफेशन है वो अपने उन लोगों तक होना बेहतर रहता है, बजाय इसके कि हर बंदा उसके अंदर इंटर होना शुरू हो जाए। बहुत से लोगों की आदत है, इवन कि घर में माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो टोटके वगैरह करती रहती हैं, कभी कोई लीमू पी रही है, कभी किस तरह से कोई ज़ीरा पी रही है, कोई किस तरीके से। तो बाद में जब साइड इफ़ेक्ट होना शुरू होते हैं तो फिर होता क्या है, अपनी उस चीज़ पर नहीं किया जाता बल्कि गाली फ़ौरन उसको दी जाती है कि यार फ़लाँ ने बताया था तो ये हो गया और वो हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें मैं कभी भी शेयर नहीं करती। हाँ, अभी जो मैं ट्रीटमेंट आप लोगों को बताने लगी हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और मैं इसको खुद यूज़ करवाती हूँ अपने डिफरेंट मज़ीद मेडिसिन के साथ। और डिपेंड करता है कि PCOS जो है वो कितनी MM की है, CM की है या MM की है, तो उसके मुताबिक जो है अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उसको हर 15 डेज़ के बाद मैं अपने पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ, जिससे ये पता चल जाता है कि जो ट्रीटमेंट है वो हम मज़ीद फास्ट कर सकते हैं या इतना स्लो काफ़ी है। सबसे पहले है इसके अंदर शरबत दीनार, इसको 1 से 2 चम्मच एक गिलास पानी में मिक्स करके ये पिया जाता है। और इसी के साथ ये अशरफ कंपनी का है, आप देखें तो इसके ऊपर
लोगो लगा हुआ है और शरबते दीनार लिखा हुआ है, जिगर रहम और मसाना के वरम और दर्द के लिए, इस तस्का और जातुल जनब के लिए मुफीद है। इस तस्का वही मैंने आपको बताया कि इस तस्का है रहम, यानी रहम में पानी पड़ जाना। ये जो शरबत दीनार है ये और भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर पानी पड़ जाने में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ है, मैं चूँकि लार्ज साइज़ की चीज़ें लाती हूँ तो उसमें आप देख रही हैं कि तेरे आके रहम ऊपर लिखा हुआ है। ये भी अशरफ कंपनी की कुछ इस तरीके से टैबलेट्स होती हैं, आपको बहुत आसानी से पूरे पाकिस्तान में से मिल जाएंगी। ये इस तरीके की टैबलेट्स होती हैं तरिया के रैम की, पिंक कलर की, ये भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। दो टैबलेट सुबह दो शाम आपने लेनी होती हैं। वैसे तो हम पेशेंट की जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक मैं डील करती हूँ और डील किया जाता है, लेकिन ये ऐसा एक ट्रीटमेंट है जो कि आप इसको इस्तेमाल करें और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यूट्रस का वर्म हो, पानी की थैलियाँ हों, फूल चुका हो, रहम स्वेलिंग होगी हो बहुत ज़्यादा, सूजन होगी हो, और उसके साथ साथ इन्फेक्शन और जो फाइब्रॉइड्स होती हैं उनमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका मेथड डिफरेंट है। आज मैंने आपको बताया कि पीसीओएस के अंदर हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसके साथ साथ हम और साथ में मेडिकेशन देते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने सिंपली, लड़कियां मैं देखती हूँ फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पे पागल हुई होती हैं कि यार पीसीओएस का ट्रीटमेंट आप बता दें और ये हुआ वो हुआ, सालों इलाज चलता है। इस चीज़ की मैं आपको बिल्कुल फुली गारंटी देती हूँ कि सालों ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। आप बहुत भी ज़्यादा आपकी एमएम के अंदर गई हुई पीसीओएस जो है वो विद इन 3 मंथ्स ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन होता है आपका तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इसी तरीके से, नुस्खा जात नहीं, इसी तरीके से डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हों हर्बल्स हों, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।